जनपद शाहजहांपुर के आज जलालाबाद पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, जहां पर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में करीब 2 करोड़ रुपए कीमत की 2 किलो अफीम और 2 अदद मोबाइल फोन व 1 मोटरसाइकिल के साथ ही 2 अंतर्राज्यीय मादक पदार्थ तस्कर गिरफ्तार किया गए हैं। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश के बाद में यहाँ पर यह इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। अपराधियों की लगातार रेकी की जा रही थी, जिसके बाद में पुलिस ने आज इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और उनके पास से 2 करोड़ रुपए से अधिक की मादक पदार्थों को भी जब्त कर लिया गया है। आरोपियों से लगातार पूछताछ जारी है, जिसमें कई खुलासे होने की भी संभावनाएं हैं। आरोपी पंजाब सहित आसपास के क्षेत्रों में अपना माल सप्लाई करते थे। झोलाछाप डॉक्टरों की फर्जी रूट की चेकिंग कर रुपयों की मांग करने में भी यह लोग पकड़ाए थे, जिसके बाद में लगातार इनसे पूछताछ की जा रही थी, जिसमें यह खुलासा हुआ है। थाना जलालाबाद को अवैध मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 2 किलो अफीम बरामद करने में सफलता प्राप्त हुई। इसकी अंतर्राष्ट्रीय कीमत लगभग 2 करोड़ रुपए है। गिरफ्तार अभियुक्त राजवीर और गौतम, ये दोनों जनपद बदायूं के रहने वाले हैं और इसमें से राजवीर पटियाला पंजाब में पहले भी NDPS एक्ट में जेल में निरुद्ध रह चुका है और यही तस्करी का काम करता था। गौतम भी इसके बदले आपराधिक मामले जनपद बदायूं पंजीकृत हैं। इनसे गहन पूछताछ की गई है और पूछताछ के आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। दोनों अभियुक्तों के विरुद्ध थाना जलालाबाद में सुसंगत धाराओं के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है।